तो अमदावाद नो आरोग्य विभाग सतर्क बन्यु छे। ओरी माटे वेक्सिनेशन पर भार अपाई रह्यो छे। घणा बाळकोने ओरी माटे रसी लीधी ना होय तेवा बाळकोने शोधीने घरे घरे मेडिकल टीम जई सर्वे करी रसी आपवानुं काम चाले छे। बे महिनामां ओरीना केस अमदावादमां 200થી વધુ નોંધાયા છે। દાણી લીમડા, ગોમતીપુર, રખિયાલ, રામોલ, બહેરામપુરા, દરિયાપુર, સંકલિતનગર, વિજલપુર અને સરખેજ સહિતના વિસ્તારોમાં ઓરીના કેસ જોવા મળ્યા છે। जी अभी फिलहाल तो हमारी एक्टिविटीज चल रही है एरिया में, हम लोग एरिया वाइज कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आंगनबाड़ी वाइज हम लोगों ने लिए है काफ़ी सारे बच्चे जो कि दिन में किसी न किसी रीजन से, जिनका रिस्पांस हमें अभी फिलहाल क्योंकि एक प्रेशर बन चुका, लोगों में एक डर फैल चुका है, तो इसीलिए लोगों का रिस्पांस भी हमें अच्छा मिल रहा है। तो हम लोग आंगनबाड़ी वाइज कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, एरिया एरिया में जा करके एक्टिविटीज़ की जा रही है। हमारे फिलहाल पांच पांच एरियाज में हमारी टीमें जा करके वैक्सीनेशन का एरिया में और आंगनवाड़ी में जितने भी बच्चे हैं उनको कवर करने की कोशिश कर रही है। गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी राज्य ने 8 कॉलेजों में शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में एक पण विद्यार्थी ने प्रवेश आपवानी मंजूरी आपी नथी। आचार्य शिक्षक सहित नो स्टाफ तेमज पूरतू इन्फ्रास्ट्रक्चर उभू करवामां कॉलेजों निष्फळ रहता विद्यार्थियों प्रवेश पर रोक लगाववामां आवी छे। जीटीयूए दर वर्षे कॉलेजों ऑडिट करवामां आवे छे। ते दरमियान राज्य की 9 इजनेरी कॉलेजों में स्टाफ और सुविधाओं की खामी जणाता कॉलेजों ने नो एडमिशन में मुकवामां आवी तेमज सुविधा उभी करवा माटेनो समय अपायो हतो, परंतु 8 कॉलेजों इन्फ्रास्ट्रक्चर उभू करवामां निष्फळ थता हवे कोईपण विद्यार्थियों ने प्रवेश न आपवानो आदेश आप्यो छे।